रोलर ब्लेडिंग टू एक्सट्रीम मिड जर्नी ब्लॉन्डियो, जिसे रोलर मैन के नाम से भी जाना जाता है, रोलर मैन का सूट जर्नी का अपना आविष्कार है। वह 1994 में पेरिस के एक इंडस्ट्रियल डिजाइन स्कूल में छात्र था और अपने फाइनल ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए उसने रोलर मैन सूट बनाया, जो वह चाहता था कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो अभी तक किसी ने सोचा भी ना हो। उन्होंने पूरे शरीर का एक सूट बनाया और 32 पहियों से सुसज्जित कवच हाथों पैरों घुटनों धड़ भुजाओं और पीठ पर रखा। हालांकि जर्नी को रोलर मैन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जर्नी ने सूट का उपयोग करने के लिए अपना खुद का शब्द गढ़ा, जिसे वह बग्गी रोलिंग कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वह स्लो कैसे होता है या बिना ब्रेक वाले सूट को कैसे रोका जाता है। रोलर ब्लेड में ब्रेक का सबसे आम तरीका एक पैर आगे की ओर करके किया जाता है, जबकि दूसरा पैर इस तरह होता है। ठीक उसी प्रकार जब उसे धीमा करने की आवश्यकता होती है तो ड्रैग बनाने के लिए वो अपने हाथ और पैर को बदल देता है। पूरे सूट को बनाने में महीनों लग जाते हैं और सूट लगभग 5.5 लाख में बिकती है। इसका अपग्रेडेड वर्जन भी बनाया जा रहा है, जो एक इलेक्ट्रिक मोटराइज सूट होगा।